बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां अपना पंचन का बता दें कि सतना से जिला खनिज अधिकारी का भिंड भेजा गया रहा। भिंड के बाद अंततः सीधी के प्रभार दिन का है। भिंड क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। अपना पंचन को बताई थी सतना से 450 किलोमीटर दूर तबादले पर भिंड भेजी गई रही जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी का राज्य शासन के खनिज साधन विभाग के द्वारा जो है सीधी जिले के पदभार सौंपा गया है। तबादले के बाद 6 माह के अवकाश में चली गई रही दीपमाला के द्वारा ट्रांसफर का एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई रही। हाईकोर्ट के द्वारा जो है 15 अक्टूबर का यह मामला मां सहानुभूति पूर्वक विचार कर किन 1 माह के अंदर निर्णय लेके आदेश दिन गया रहा। जो ने अपना पंचन का पूरा मामला पहले बता दी कि जिला खनिज अधिकारी के रूप में दीपमाला तिवारी का 23 मई 2019 का सतना माप पदभार जो है ग्रहण करी रही। महज 15 माह के अंदर जो है पिछले साल 24 सितंबर का उनका भिंड खीती ट्रांसफर का दिन रहा। डिप्टी डायरेक्टर होने के बाद जो है दीपमाला का भिंड मा सहायक खनिज अधिकारी के पद में नियुक्ति दी गई रही। लिहाजा जो है यह तबादला के खिलाफ हूँ हाईकोर्ट चली गई रही। उनके द्वारा उच्च न्यायालय का बताबागा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर के द्वारा पूर्ण बेड रेस्ट के सलाह दी गई। पति जो है इनकर इंद्रभूषण तिवारी नागौर मां महिला एवं बाल विकास विभाग मां परियोजना अधिकारी के पद में पदस्थ थे। कोरोना काल में जो है बच्चन का छोड़ के 450 किलोमीटर दूर भिंड जाए में असमर्थ है। लिहाजा जो है हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खनिज साधन विभाग के द्वारा 23 मार्च का दीपमाला तिवारी का सीधी मां पदस्थ करके आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी तक जो है एके राय सिगरौली से जो है सीधी के प्रभार खनिज अधिकारी के संभाल रहे हैं। अब निश्चित तौर पर सीधी का एक स्थायी जो है दीपमाला तिवारी के रूप में खनिज अधिकारी जिला खनिज अधिकारी मिल चुका है। तब निश्चित तौर पर अब देखा दिलचस्प हुई कि खनिज विभाग में चल रहा मनमानी के दौर कब खत्म हुई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।